माफ करना, चूंकि सिनेमा जगत के सम्मुख बैठे हैं, बुरा मत मानना, हम तो अपनी बात बोल करके ही जाएंगे। याद रखना, जितने भी सिनेमा जगत के लोग यहाँ विराजमान हैं, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत से लोग मुंबई से हमसे भी जुड़े, पर हमारा स्पष्ट कहना होता है, हम किसी भी प्रकार से कट्टरवादी नहीं है। लोगों को लगता है, भारत में लोग हमसे कहते कि आप कट्टरवादी हो, माफ करना, हम कट्टरवादी नहीं, हम अपने धर्म के लिए बहुत कट्टरवादी, बस ये है। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हमें किसी भी धर्म से कोई बुराई नहीं है। और माफ कीजिए, जितने भी सिनेमा जगत के लोग, शायद राजा बैठे हैं बुंदेला और यहाँ सुन रहे होंगे, उनको भी हम निवेदन करेंगे। एक साधु तो निवेदन कर सकता, साधु की पीठ निवेदन कर सकती है, आपकी 3 घंटे की मूवी अनेकों साल तक चलती है। हमारे साधुओं, जिंदगी में एक बात तुम याद रखना, बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पर रोटी ज्यादा खाना। याद रखना, टीवी पर आने वाले जितने भी हीरो हैं वो असली हीरो नहीं है, असली हीरो वो तो सब नकली है, असली हीरो तो इस भारत की आर्मी, माता पिता और गुरु होते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा किसी को अनुकरण मत करो। जिस बच्चे को उन्नति पानी है वो बच्चा याद रखे, युवानों मेरे पागलों, तुम्हें अगर उन्नति पानी है, लक्ष्य पाना है, तो तुम टीवियों के हीरोओं से उनको फॉलो करके नहीं पा सकते। वो एक कला है, वो एक आर्ट है, और उसको ही तुम अपनी जिंदगी मान बैठते हो, ये तुम्हारी जिंदगी की भूल है। सन 1987 के लगभग एक फिल्म आई थी माँ संतोषी माता की, जिसने हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसी धूम मचाई थी कि शुक्रवार के दिन लाखों करोड़ों लोग व्रत रहने लगी थी माताएं, और टमाटर बिकना बंद हो गए थे। जिंदगी में याद रखना, आप जो अभिनय कर रहे हैं, या जिस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जिस फिल्म को आप भारत को दिखाना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर जमीर हो सनातनीय संस्कृति का, एक बात आज नोट करके जाना, हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी मूवी मत बनाना। मर जाना तुम भूखो, और सनातन के खिलाफ, सनातन मतलब तुम्हारा बाप, जो अपने बाप के खिलाफ मूवी बनाता है वो अपने बाप का नहीं है, ये बात याद रखना। तुम 2 कौड़ी के रुपयों के लिए अपनी सनातनीय संस्कृति की अस्मिता को, अभी कुछ दिनों से और भारत के लोग भी अब जग रहे हैं, साथ जागना पड़ेगा। और हम भारत के प्रत्येक जितने भी सिनेमा जगत के लोग हैं, अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा हमारी बात को सुनेंगे, हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं, हमारा आशीर्वाद ईश्वर करे, बागेश्वर हनुमान जी करें कि तुम्हारी प्रतिभा और निखर कर बाहर आए, पर ऐसी मूवी पर कभी साइन मत करना जिससे भारत के भगवानों के ऊपर उंगली उठाई जाए, क्योंकि इसकी छाप कई वर्षों, जिस संस्कृति को सुधारने के लिए हमारे भारत के साथ, अरे बनाना है तो कभी स्वामी विवेकानंद पर बनाकर देखो, यहां झाड़ू वाले महापुरुष हुए खजुराहो में, झाड़ू वाले बाबा का कमाल, कभी उन पर मूवी बनाओ, कभी आपको बनाना ही है ना, हमारे महाराजा छत्रसाल पर मूवी बनाओ। हमारे भारत में क्या महापुरुषों की कमी, पूज्य देवराहा वाले बाबा, कितने साधु नहीं हुए, और भारत में कितनी ऐसी जगह नहीं है जो कहानी आप उठा सकते हो, जिन कहानियों को पढ़ करके हमारे भारत के युवा जगेंगे और अपनी उन्नति का रास्ता आपकी फिल्म को देख करके उन्नति। तो हमारा निवेदन है कि आप कृपा करके ऐसी संस्कृति से संबंधित मूवियों में ही रहें जिससे हमारे भारत की सनातनीय संस्कृति अटल रहे। वैसे कोई सनातन को झुका या मिटा नहीं सकता, लेकिन जिम्मेवारी भी तो हम आपकी ही है, तो जागना पड़ेगा। सिनेमा जगत एक कला है, कला के द्वारा आप 3 घंटे की फिल्म में जो प्रदर्शित कर देंगे, कुछ युवा जिनका मन बहुत साक्षी भाव देखने का नहीं होता है, वो युवा उसको ही रियल लाइफ मान लेते हैं, उसको ही जिंदगी मान लेते हैं, और भारत के युवा बहक जाते हैं। तो क्षमा कीजिएगा, हमें किसी से बुराई नहीं है, न किसी के हम विरोधी हैं, लेकिन सनातन धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमें एक महापुरुष की वाणी याद आ रही है, नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बायकॉट भी तो हो रहे हैं, भारत के लोग जग रहे हैं, हमारी बुराई नहीं है,
ये भी एक कला है, मूवी में आना एक आर्ट है, और जिंदगी भी एक कला है, जिंदगी भी एक अभिनय है। तो मूवी बनना कोई बुरी बात नहीं है, और क्षमा करना, मेरी प्रार्थना है ऐसी मूवी बनाना जिसमें हमारे भारत के सनातनी हिंदुओं के हृदय को ठेस ना पहुंचे, हमारे साधुओं को ठेस ना पहुंचे। आप हमारे साधुओं को न जाने क्या क्या दिखा देते हो, क्या बिगाड़ा हमने। आप हमारे साधुओं को न जाने, हम मानते हैं पर सब एक से नहीं हो सकते हैं। आप हमारे भारत भगवान को, भगवानों को न जाने क्या क्या बना देते हो, क्या बिगाड़ा आपने। आप छोटी सी लोकप्रियता पाने के लिए, ताकि आपकी बुद्धि भी बड़ी अद्भुत है। बीच में तो ऐसा चला था कि जिस मूवी का विरोध हो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है, और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि अब हिंदू जगने लगा है, वो बाइकॉट करने लगा है, और जगना भी चाहिए। कब जब सीधा कह रहे थे गुरु जी ऐसा मत करो, वो काली माता को नहीं सिगरेट पे बात रही थी, ठठरी के बरू हमें फंस जाए था नाकन में लो सिगरेट भर दे, हमको मिल जाए न कटा, हम तो ढूंढ रहे हमारे राउंड में फंस नहीं रहो। तो जो है हम किसी भी प्रकार से विरोधी नहीं है, हम सपोर्टेड हैं। और अभी बुंदेला जी कह रहे थे कि गुरुजी लोग कह रहे थे कि जो है फिल्म फेस्टिवल के मंच पर साधु नहीं आएंगे, तो पहले तो हम भी सोच रहे थे नहीं आए, लेकिन हमने सोचा जब नहीं जाएंगे तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा, सनातन की चर्चा कौन सुनेगा। सनातन वो धर्म है, सनातन मतलब हम कोई जातिवाद या कोई बहुत रूढ़िवादता, सनातन मतलब हम कट्टरता के लिए नहीं बोल रहे हो, कोई आपकी न्यूज में छाए रहने के लिए हम बार बार सनातन नहीं बोल रहे। हम सनातन को समझाना चाह रहे हैं, माई डियर मेरे प्यारे पागल तू समझ तो सनातन क्या। सनातन वसुदेव कुटुंबकम, जहां और धर्मों से हमें बुराई नहीं है, पर किसी धर्म में क्या होता खबर नहीं, लेकिन हमें सनातन धर्म की खबर है। मंदिरों में जब आरती होती है तब से लास्ट में बोला जाता विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो। ये सिर्फ सनातन धर्म में हम प्रेम के आदि हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुत्ववादी है, और जो अपने सनातन का नहीं वो अपने बाप का नहीं, याद रखना। और ये बात कोई बोले या ना बोले, हमसे बहुत से लोग कहते हैं, बहुत शासन प्रशासन के हमारे पंजाब के कलेक्टर साहब बहुत आत्मा है हमारे धाम पर, दो चार दिन में जब भी पहुंचते कहते हैं महाराज जी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। हम कहते हैं श्रीमान जी माफ करना, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। बार बार मरना नहीं है। और जो सनातन का विरोधी है उसकी ठठरी, विदेशों में भी बारी इतने बार जब लो जिंदा रहने ठठरी भारत रहने, जो राम का नहीं उनकी ठठरी भरे, जो राम का है, जो सनातन धर्म का है, जो बागेश्वर धाम का है, उसकी जय जय हो जावे। पिता और गुरु तो क्षमा कीजिएगा, मानते सब हैं, माता पिता को तो सब मानते हैं, पर माता पिता की कोई नहीं मानता, ये देश का दुर्भाग्य है। राम को तो सब मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता। राम जी वो हैं जिन्होंने पिता के वचन पर राज पद का मोह त्याग कर वनवास लिया, लेकिन हम लोग राम जी को तो मानते, राम जी की नहीं मानते हैं। और सिनेमा जगत के इस अष्टम फिल्म फेस्टिवल में हम आप सब बैठे हैं, आज प्रथम दिवस है, हमारा पास कम समय है, हमें जानने हैं, हम यही कहेंगे आप सबसे निवेदन करके, आपको जिन जिन को कला मिली लिखने की, कोई प्रोड्यूसर है, कोई बनाने वाले हैं, कुछ एक्टिंग करने वाले हैं, हम निवेदन करेंगे कि अगर आप हनुमान जी को मानते हो या अपने माता पिता को मानते हो तो प्लीज़ ऐसी कहानी मत लिखना, ऐसी फिल्म पर साइन मत करना जिसमें सनातन भगवान को टारगेट किया गया हो। ये हमारी प्रार्थना है, विशेष रूप से ये हमारा निवेदन है कि आप ऐसा कार्य करना जिससे सनातनीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे, इसे कोई मिटा ना सके। आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, आप सब जुग जुग जियो। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हम आपको कहेंगे मेरे पागलो तुम्हें आगे बढ़ना है तो जिंदगी में एक सूत्र याद रखना, असली हीरो कौन है। दीवार पर लिखना पड़ता है कि यहाँ लिखना मना, अद्भुत बात, हद हो गई,
अद्भुत बात है। हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, 3 घंटे की मूवी में अगर भगवान के खिलाफ दिखा दिया जाए तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बात सही बोल रहे हैं। ठठरी के बरे नकटा आगे के लय लुअर के लय, कम से कम शर्म तो खा। ये सब सोची समझी साजिशे हैं भारतीय सनातनीय संस्कृति को खंड खंड करने की, लेकिन अब नहीं चलेगा। आप लोग जागो, हम साधु समाज हमारा साथ है, लेकिन सनातनीय संस्कृति के साथ है।